अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन आई केयर फाउंडेशन की जानी से नवीद बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्ची जो देख रहे हैं आप, ये बच्ची का नाम भावना है, 13 साल की उम्र है। इनको एक्सीडेंटली एसिड पड़ने की वजह से, थिनर पड़ने की वजह से इनका इस कदर बर्न इंजुरीज हो गए थे। इनके तीन भाई बहन, ये मिला के 3 लोग हैं जो इनको एक्सीडेंटली ऐसा हुआ था। हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं लास्ट तक मंथ। तो हमारे इनके साथी, इनके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनका नाम भवानी शंकर है। ये डेली वेजर हैं। डेली ये 600 रुपया कमाई करते हैं। इनका आयरन का बिजनेस है जो यहाँ पे इन्होंने जॉब करते हैं। तो इनको रोज़ाना कमाई इनके खर्चे के लिए ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका इलाज के लिए मज़ीद 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो ट्रीटमेंट और सर्जरीज कराने के लिए। इस बच्ची को इस हादर हाथ बेंट होकर तो सीमा दो, इस कदर हड्डी भी डैमेज हो चुकी है। तो तमाम नाजरीन से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि, और इनके 2 भाई हैं, एक भाई है और एक बहन है, जिनका नाम है बद्रीनाथ, जो 12 साल की उम्र का है। तो एक बच्ची है लक्षिता, जो 3 साल की उम्र की है बच्ची। हम ये इसके फोटोज़ भी अपडेट करेंगे। वो भी बनू इंजुरीज में मुब्तिला हो चुके हैं। तो इनके तकरीबन इलाज के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। अभी इमरजेंसी में 80 हज़ार की ज़रूरत है। तमाम नाजीन से आजिदाना दरख्वास्त है कि इस मासूम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और हमारे जो रिक्वेस्ट दिए हैं भवानी शंकर भाई, इनके जो दर्द में हम इनको राहत पहुंचाने में हम ताउन करें, हिस्सा लें। निवेना दुर हेल बेकंद रहे। नमस्ते, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ. ನನ್ನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಫೈರ್ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಕೆಲಸ, ನನಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಐ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ